master. That is indeed what he's doing. तो गाइस थोड़ी बहुत ठीक लगी हमें यहाँ पर इंटीरियर, आप देख सकते हो दिखाया आपको, तो इसी देखते हैं, बात करते हैं दूसरे हॉल को भी देख लेते हैं। स्पेसियस तो है, ये हमने देखा है पैलेस होटल है एंड दिस इज़ द फ्रंट एरिया गाइस, दिस इज़ मी एंड दिस इज़ द बैक एरिया, दैट इज़ किचन आई गेस। तो हम देख रहे हैं कि हमारे लिए स्पेस ऐसा हो कि हम थोड़ा गाना बजाना करें, गेम वेम खेले, आई थिंक दिस इज़ सफिशेंट स्पेस फॉर अस। हाँ फूड एरिया, ओके, मतलब हाँ सर्विंग एरिया, या तो गाइस यहाँ पे फैमिली डिनर के लिए भी ऑप्शन है, यू कैन कम, बट हमारे लिए फिलहाल के लिए तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो या लेट्स गो। बनाऊंगा चल के, चलो फिर इनसे कुछ डिसाइड करते हैं जाने से पहले। तो गाइस फाइनली हमने जो डेस्टिनेशन पसंद कर लिया है, एंड देयर इज म्यूजिक गोइंग ऑन, है ना, म्यूजिक सुन के अच्छी बात है कि ऐसे जगह पे आपको पीछे का डिस्प्ले ऐसा दिखता नहीं है जहाँ पे दिख रहा है क्या, और लाइटिंग भी परफेक्ट लग रही है, तो हमने सारा कुछ डिसाइड कर लिया, बातें कर ली, नेक्स्ट डे अब देखते हैं कैसा होता है। गाइस यहां पे एक प्रॉब्लम है, यहां पे चीजें अपने पसंद की नहीं मिलती है, हां चीज़ें अपने पसंद की तो मिलती है नहीं, बहुत मुश्किल से मिल पाया विद द स्क्रीन, सो वी आर हैप्पी और प्लेसेस इज गुड, या एक्चुअली हमें जैसा तो चाहिए था 100% तो नहीं, बट एटलीस्ट 60% मिल रहा है, या एटलीस्ट यहाँ पे ऐसा कुछ मिल रहा है, इट्स ओके यू कैन गो। अच्छी बात है कि वो बैठ के लिए एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा नहीं है खुली हुई जगह पे अपना खड़ा ही रहना है, और मुझे सही लग रहा है सब कुछ। लेट्स सी, फाइनली हमने हिंद डैडी में कर दिया ऑर्डर कुछ समोसे जो यहाँ का फेमस है, कहते हैं एक टाइम पे था, आई डोंट नो अबाउट नाउ गाइस, लेट्स गो। गाइस हम रोम कर रहे हैं अपने टाउन में एंड इट्स बीन सो लॉन्ग, मैं पहले ऐसे कभी कभार रॉबिन के साथ घूमा कर रही थी, मेरा छोटा भाई, एंड नाउ आई एम रोमिंग विद माय हस्बैंड, इट्स सच अ डिफरेंट फीलिंग एंड या आई एम एंजॉयिंग एक्चुअली। ये क्या कुछ ऐसा कुछ, जब मैं स्टार्टिंग में निकली थी ना जयपुर से, तो किसी का बर्थडे था छोटी या रॉबिन का, तो मैं चाह रही थी ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँ, तो शिव केक पैलेस ही दिखता था, और आज मैं जाके देख पाई हूँ ये रियल सामने से, ऑलमोस्ट लाइक 5-6 ईयर्स के बाद। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 8 बज रहा है, आई गेस 8 भी नहीं बजा होएगा, 8:30 बज रहा है और सारे शॉप मार्केट सब बंद, सब क्लोज्ड, ऐसा लग रहा है सब सोने ही वाले, बस रात में घूमने निकल गए। मेरे मम्मी पापा के साथ जब मैं यहाँ रहती थी ना, तो दे यूज टू से जल्दी आ जाना, 7 बज गए 6 बज गए, घर नहीं आए अभी तक, ये वो ब्ला 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 ब्ला, ठंडीली मत मारना। नो बट इट्स सो डिफरेंट फीलिंग गाइस, मेरा घर पहले उस साइड था बिल्कुल, अब मैं इधर, मेरा ससुराल, मैं अब सेंट्रल पूर्णिया में शिफ्ट हो गई, हाँ मैं सेंट्रल पूर्णिया में शिफ्ट हो गई, पहले मैं मेन एरिया में रहती थी, जिधर बस स्टैंड हुआ करते थे, 4-star सिनेमा हॉल्स हुआ करते थे, अब मैं सेंट्रल में आ गई। पूर्णिया वाले सुन लो, ये बोल रही मेन एरिया में रहा करती थी, तुम ही बताओ मेन एरिया, वो मेरे लिए तो मेन एरिया था, क्योंकि मेरे लिए गाइस, सो वी आर हियर इन द बिग शॉप, यहाँ का मार्केट कुछ दिख रहा है कि आई मीन रात को भी खुला हुआ है, तो हमने सोचा चलो एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स गो अपस्टेयर्स, ऐसे ही टंडेली मारने आए हैं, वो देखो आई अब ऐसे वाले कई रेस्टोरेंट में बैठो और ऐसा सुनो ना बजे, तो फिर बात ही रेस्टोरेंट पूरा ही ना हो, सुनो इतनी छोटी सी पूर्णिया है कि हम बार बार घूम घूम के एक ही जगह पहुंच रहे हैं। तो हम सिर्फ पहले इसकी बात कर ही रहे थे, हम वहां पे जा रहे हैं एक बार देखने के लिए क्या केक का ऑप्शन है यहाँ पे, ओके। तो गाइस ऐसा हुआ कि हम जो केक शॉप में जा रहे थे, जो मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे हमारा केक फाइनल हो गया, लकीली
जैसा हमने दिखाया वो बोल रहे हैं कि वो हो जाएगा, सिर्फ रोजेज की थोड़ी प्रॉब्लम है, वो आई थिंक कि हो जाएगा, मैनेजेबल है, हम नहीं तो बाद में कुछ आर्टिफिशियल भी उसमें लगा सकते हैं। नो, डोंट से दैट, जो भी होगा उसको देखेंगे। तो फिलहाल हमारा एक काम ये भी डन हो गया एक साथ में, हम वैसे भी वही भी 10 मिनट वेट करते, भगवान ने हमारे बगल में ही शॉप खुलवा दिया है, मतलब हमें तो नहीं पता था, हमें मुझे पता था। वहाँ देखा बगल में शॉप था और हमारा काम हो गया। मुझे पता था बेटा। अब यहाँ से घर चल रहा हूँ और घर पे जाके समोसे खाएंगे और मजे करेंगे। पहले तो आदिया ने बोल दिया कोई बात नहीं, नहीं लाए तो कोई बात नहीं, अब देखो खाने के लिए कैसे कर रही है। तो आज का दिन जो है थोड़ा के काफ़ी वर्थ लग रहा है, आपने देखा ही वीडियो में। फिलहाल अभी हम लोग सब पूरी फैमिली बैठ के डिस्कस करेंगे जो भी हमने आज देखा हुआ है, जो भी हमने डिसाइड किया हुआ है, साथ में समोसे के मजे लेंगे। तो समोसे के बाद भी कुछ करने वाले हो? हाँ, गेम खेलने वाले हैं। ये मैं चाय नहीं पिया, अब पिया था पर ठीक है, एक बार पी लूँगा आज। समोसे सर्व करते, मैं आपको समोसे भी दिखा दूँगा। या मुझे भी समोसे खाए हुए मुझे लगता है सदियों हो गए हैं। ओके सो गाइस, ससुर जी आ गए, सासू माँ मिलने जा रहे हैं हम लोग उनसे, फर्स्ट टाइम कार भी देखेंगे, फर्स्ट टाइम इन द सेंस कार, चलो देखते हैं कार लिया है इन्होंने नई नई। हाँ जूना कम हमारे पास दो दो कार होगी, एक कार ऑलरेडी लगी होती है, दूसरी कार आ रही है। भाई साहब ये देखो कार की लुक। हाँ डन ठीक है। क्या खेलना? मम्मी नहीं खेल रही हो क्या? मम्मी देख रही, समझने की कोशिश कर रही। माँ नेक्स्ट गेम से तुम भी खेलना, कुछ मत पल्लवी जी तो गई। अरे पहले बोलती है 2-3 फिर बोलती है 3-3 चलो मैं 1-3 रुक जाओ ले लो बेटा उसमें अपने उसको लगा लो क्या लिखा है उठा मेरे पास बहुत है उठा लो सॉक्स से जब लेना है गाइस तो सारा ले लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है ना, कितने सारे। हां बेटा ये हम लोग खेल रहे हैं ब्लफ। चलो क्या 2-9 क्या 2 में हो सकता है गाइस, और इन्होंने रिस्क ले लिया और मम्मा जीत जीते। गुड मॉर्निंग, आज हम लोग जा रहे हैं आदिया को स्कूल छोड़ने के लिए। आदू मानी भी चल रही है और लेने जा रहे हैं हम लोग रॉबिन और छोटी को। यहाँ सीधा नादू, सीधा जाके फिर लेफ्ट लेना। ये आ गए हम लोग आदू के स्कूल, सेंट पीटर्स स्कूल। ये कैथोलिक चर्च यहाँ पे है, उसी की स्कूल है, यानी क्रिश्चियन स्कूल है ये, इंग्लिश मीडियम। ये देखो चर्च है यहाँ पहला चर्च, आप नहीं आया अभी से पहले? कितना प्यारा चर्च पता है, इसके अंदर में बहुत अच्छा। कहाँ उतरो बेटा तुम लोग? उस गेट पे। ओके जाने देगा क्या अंदर? लोग छोड़ेंगे आदू और मानवी को स्कूल। मैं बैग ले लूँ? नहीं चले जाओगे? ओके बाय तो कर दो। बाय बाय। Hey bro. Surprise for you. Mama is also there. I know. बता दिया किसी ने क्या तुम्हें? मम्मी बता दी? How did you like the car, Jiju? अभी तो मैं फर्स्ट टाइम बैठा हूँ, रात में पैक हो गया था अभी। अभी तो आ जाएगा बैग लग रहा है। कैसा लग रहा है छुट्टी फिर आके? पहले पहुँच गए? Happy.
नए कार में बैठ कैसा लगा तुम्हें? चले गए हम लोग। ऑन है ना, पहले देख तो, ऑन है कि नहीं? हाय रॉबिन, आप स्लिम लग रहे हो। स्लिम हो गए हैं। पल्लवी ने बनाया है सब कुछ, बट ये लास्ट का क्रेडिट उठाने के लिए बैठ गई यहाँ पे। क्या कहना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे? तो हमारे आज जो नाश्ता है ब्रेड ऑमलेट ही हुआ है। बाकी लग रहा है ऐसा माहौल, जैसे इतने लोग को देख के लग रहा है कि शादी का माहौल है फिर से घर में। ऐसे ऐसे ही फील हो रहा है। चलो हल्दी लगा लेते हैं सबको। हम लोग कल था अलग। हल्दी करो, हल्दी हल्दी हो, हल्दी यही हल्दी करोगे?